हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। स्वागत है आप सब लोगों का सुमन ब्लेज ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो आज का वीडियो कुछ खास है क्योंकि अभी आज करने वाली हूँ मैं मेरे किचन का मेकओवर। तो किस तरीके से करने वाली हूँ वो आप लोग देख लीजिए, लेकिन उसके लिए उसके पहले एक खास बात कि उसमें एक भी पैसा नहीं लगने वाला, फ्री फ्री होने वाला है मेकओवर। क्योंकि आप लोग समझ ही सकते हो, क्यों देखो अभी कोरोना टाइम चल रहा था, तो कोरोना के टाइम में किसी का काम नहीं चल रहा है। और अभी दिवाली आ रही है, तो दिवाली पर हर किसी का मन करता है कि अपने किचन को, अपने रूम को अच्छे से डेकोरेट करें, अच्छे से उसका मेकओवर करें। लेकिन कोई भी काम बिना पैसे का नहीं होता, लेकिन मैंने कर दिखाया बिना पैसों का। रूम पहले मैं करूँगी किचन का मेकओवर, उसके बाद करूँगी रूम का। तो आप लोग इस वीडियो में मैं किचन का दिखाऊँगी, नेक्स्ट वीडियो में रूम का दिखाऊँगी। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ। अगर आपको मेरा वीडियो जो मैं कवर कर रही हूँ वो आपको पसंद आता है, तो प्लीज़ चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, वो भी बेल आइकन प्रेस करके। तो आ जाइए गाइस, पहले जब मैंने मेकओवर नहीं किया है तब आप देख लीजिए किस तरीके की मेरी किचन दिख रही है। इस तरीके के डब्बे दिख रहे हैं और इस तरीके से कि मेरी किचन दिख रही है। और अब दिखाऊँगी मैं आपको मेकओवर करने के बाद, ठीक है? तो मैं पहले सारे डब्बे उतार लेती हूँ, सारे डब्बे फटाफट से उतार लेती हूँ। तो आप लोग भी ज़रूर करिए अपने घर को, अपने रूम को डेकोरेट, क्योंकि अभी आ रहा है दिवाली। तो दिवाली पे तो कुछ नया हो, नया देखने को मिले तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैंने भी सोचा, मैंने भी दिमाग लगाया, देखो अभी पैसा तो है नहीं किसी के पास, तो मैंने भी दिमाग लगा के अपने किचन का मेकओवर किया है अभी, है ना। फिर मैं रूम का भी करने वाली हूँ, तो उसका वीडियो भी आपको मिल जाएगा। तो गाइस, हमको लेना है पेपर, यानी कि न्यूज़पेपर। तो न्यूज़पेपर का करना क्या है वो मैं अभी आपको बताती हूँ। तो बैक कैमरे से मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ, ठीक है? तो हमें लेना है न्यूज़पेपर। तो देख लीजिए भाई, इस तरीके के न्यूज़पेपर तो हर किसी के घर में मिलते ही हैं, क्योंकि न्यूज़पेपर के बिना कोई काम नहीं चलता। तो हर किसी के घर पर न्यूज़पेपर मिल जाएंगे। तो हमें एक न्यूज़पेपर उसमें से इस तरीके से निकाल लेना है और फिर करना है हमको फोल्ड इस तरीके से। तो हमने उसको इस तरीके से फोल्ड कर लिया है एक बार, फिर दोबारा से इस तरीके से फोल्ड करना है। हमें फोल्ड की हुई पेपर को दोबारा से फोल्ड करना है इस तरीके से, फिर उससे फिर से इस तरीके से एक बार फिर से फोल्ड करना है। कुछ टाइम नहीं लगता, बहुत जल्दी बन के रेडी हो जाता है। तो इस तरीके से जब तक ये इतना पतला ना हो जाए तब तक हमें से फोल्ड पर फोल्ड इस तरीके से करते रहना है। तो बस ये आखिरी बार फोल्ड किया था हमने, तो इस तरीके का हो गया है, देख लीजिए। आप क्या करना है वो मैं दिखा देती हूँ और बता भी देती हूँ अच्छे से आपको। इसका जो खुली साइड है वो सारे पेपर एक साइड से अच्छे से मैस्ट होने चाहिए, ऊपर नीचे नहीं होने चाहिए। तो ये है बंद साइड और ये है खुली साइड। तो हमें इस तरीके से बंद साइड से इस तरीके से काटना है, ठीक है? बंद साइड है उस साइड नीचे से, ऐसे खुली साइड के साइड ऊपर ऊपर ऐसे करके काटते चलना है। आप हमें इसमें डिजाइन बनानी है इस तरीके से, इस तरीके से डिजाइन बनाते चलते जाना है। तरीके से, ठीक है? तो जो एक्स्ट्रा, ये जो एक्स्ट्रा पेपर है इसमें चिपका हुआ है, उसको हम निकाल देंगे तो ये डिजाइन जैसा बन जाएगा, ठीक है? इस तरीके से थोड़ी सी यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक की जगह छोड़ के, फिर जो हमने पहले काटा था वैसे ही इस तरीके से हमको दोबारा कट करना है, ठीक है? और जो अभी मैंने जो डिजाइन बनाई थी ना, ये वैसे ही यहाँ पर भी बनानी है, ऐसे करके, ऐसे कैंची को थोड़ा थोड़ा टेढ़ा करते हुए काटते चलना है। तो हमारी डिजाइन देख लो, दिखाते पास से दिखाती हूँ, इस तरीके से काटते चलना, ठीक है? तो ये भी हो गया, तो ये भी हो गया तैयार, ये भी हो गया तैयार। तो अभी एक डिजाइन और हमें इसमें बनानी है, ये वाली। यहाँ से बस सादा ही कट करना है और थोड़ा सा ऐसे कट करके यहाँ से ये वाला
निकाल देंगे जिससे कि ये डिजाइन दिखे। ऐसा ही अब हम इसको उल्टा कर लेंगे इस तरीके से, यहाँ से भी इस तरीके से करेंगे। थोड़ी सी दूरी पे से फिर से काटेंगे हम इसे, जिससे अभी मैंने निकाला था जो एक्स्ट्रा का जो कागज़, अगर ऐसे नहीं निकल रहा है आपसे तो कोई बात नहीं, फट जाएगा, तो इस तरीके से आप कैंची से भी काट सकते हो। ठीक है, छोटा सा और भी बनाना चाहते हो तो और भी बना सकते हो इस तरीके से आप इसमें बीच में। लेकिन अब खोल के दिखाती हूँ उसको किस कैसा बना है ये। देख रहा है ना आपको, डिजाइन वाला बन गया। चलिए मैं एक और फटाफट से आपको दिखा देती हूँ कि किस तरीके से करना है। एक ही और एक ही डिजाइन रखनी है, क्योंकि सारे जैसे किचन में बना रहे हो तो एक डिजाइन, कमरे में बना रहे हो तो एक डिजाइन। एक डिजाइन मुझे बहुत अच्छी लगती है, अगर आप लोगों को नहीं लगती तो आप लोग जैसा मन करे वैसा डिजाइन कर सकते हो। तो जैसे हम दूसरा पेपर ले लेते हैं, तो देख लीजिए मैंने दूसरा पेपर ले लिया है। उसको जिस तरीके से मैंने पहले फोल्ड किया था उसी तरीके से फटाफट से फोल्ड कर लेती हूँ, क्योंकि इसकी मैंने स्पीड बढ़ा दी है। आपको एक बार फिर से दिखाने के लिए बनाया है, बस इस तरीके से सारे कोने जो एक साथ में मिलने चाहिए, ऊपर नीचे नहीं होने चाहिए, नहीं तो अच्छा डिजाइन नहीं बनेगा। तो ये बन साइड से हमको काटते हुए खुली साइड के साइड हमको ले जाना है, और फिर इस तरीके से कैंची की सहायता से फटाफट फटाफट से डिजाइन हमको बना लेनी है इस तरीके से। तो अभी मैंने वीडियो को थोड़ी स्पीड बढ़ा दी है जिससे कि आपको देखने को मिल जाए और ज़्यादा भी टाइम वेस्ट ना हो। थोड़ा टाइम थोड़ी सी जगह रख के फिर वहाँ पे कट करना है, उस तरीके से डिजाइन बनानी है। और डिजाइन बनाने के बाद जो ऊपर हमने फिर से डिजाइन बनाई थी वो भी हम बना देते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो एक्स्ट्रा का जो पेपर है वो मैं निकाल देती हूँ, तो इस साइड से भी काट देते हैं। जो एक्स्ट्रा का पेपर है यहाँ का भी निकाल देते हैं। तो बीच में एक छोटी सी डिजाइन और बनाई थी तो वो भी कट कर देते हैं। तो बन चुका है हमारा पेपर, हो चुका है रेडी। फटाफट से मैं खोल के दिखा देती हूँ आपको। तो देख लीजिए बनाया ना बिल्कुल सेम डिजाइन का, कितना अच्छा लग रहा है। तो आप लोग भी जरूर करिए। तो मैं फटाफट से पूरे बना लेती हूँ। देख लीजिए हमने सारे पेपर काट के रख लिए हैं, तो अब हम चलते हैं किचन में, किस तरीके से इनको बिछाना है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो देख लीजिए गाइस, फटाफट से करना है मेकओवर। तो किस तरीके से करना आ जाइए। तो मैंने जो पेपर लिए हैं सारे वो मैं किस तरीके से बिछाना है वो आप लोग देख लीजिए। इस तरीके से बिछाते चलना है। मैं कुर्सी पे खड़े होके कर रही थी, पेपर बिछा रही थी, पर हो नहीं पा रहा था, मैं वहाँ पर पहुँच नहीं पा रही थी। वो जो डिब्बे रखने का जो टाड़ बोलते हैं हमारे यहाँ, वो बहुत ऊंचा है, वहाँ पर मैं पहुँच नहीं पा रही थी। तो मुझे स्लिप पे, जो गैस की स्लिप होती है, उस पर खड़ा होना पड़ा। फिर मैंने अच्छे से पेपर बिछाए। तो पहले मैं सामने के साइड बिछा देती हूँ और उसके ऊपर डिब्बे रख देती हूँ, वरना ये इधर उधर भागेंगे। तो फटाफट से मैंने बिछा दिया है। तो अब जो हमारे डब्बे हैं जो पहले के यहाँ पे रखे हुए थे वो मैंने नीचे निकाल के रख लिए हैं, और वो डब्बे मैंने अभी ही घर से आई थी मैं, तभी मैंने धो के साफ़ करके रखे हुए थे, बस नीचे पेपर ही पर नहीं बिछाया था। तो इस तरीके से एक एक करके मैं सारे डब्बे रख देती हूँ। आशा करती हूँ कि आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आने वाला है। तो इस तरीके से मैं डब्बे लगाती चलती हूँ, और इस साइड करने के बाद फिर दूसरे साइड है वहाँ पर भी हमको पेपर बिछाना है। तो आ जाइए फटाफट से, कौन कौन से डिब्बे कहाँ लगाने वो आप अपने हिसाब से लगा लीजिए। तो मैं लगा देती हूँ इस तरीके से। तो सारे डब्बे लग गए एक साइड में, अब दूसरी साइड भी पेपर बिछाना है तो वो भी बिछा देती हूँ फटाफट से। तो देख लीजिए किस तरीके से बिछाने हैं। डिजाइन डिजाइन होती है, वो नीचे के साइड जैसे झल्लर की जैसे होती है ना, तो झल्लर झल्लर नीचे आनी चाहिए और बाकी का जो पेपर है वो ऊपर डिब्बे के नीचे आ जाना चाहिए। तो इससे बहुत ही अच्छी लगती है किचन हमारी, और बहुत ही ज़्यादा देखने वालों को, मतलब यहाँ पे मैंने पहली बार किया था इस तरीके से, तो सब लोग बोल रहे थे कितनी अच्छी अपने अपनी किचन को सजा के रखा है। तो मैंने कहा चलो क्यों ना इस दिवाली पर भी किया जाए और आप लोगों के साथ शेयर भी किया जाए। तो सच्ची बोल रही हूँ, मैं यहाँ गुजरात में रहती हूँ, मैंने किसी के घर पे ऐसा नहीं देखा है। तो मैंने कैमरा सेट कर लिया दूसरी जगह पे, तो यहाँ पर भी मैं पेपर फटाफट से बिछा देती हूँ। अभी मुझे दो पेपरों की ज़रूरत और थी, क्योंकि तीन पेपर बिछ चुके हैं, दो पेपर और चाहिए थे।
तो इतने ही काटे हुए थे, तो मैंने फटाफट से, मैंने कहा सोचा फटाफट से बिछा देती हूँ। और ये वीडियो आज ही बना के आज ही आप लोगों के साथ शेयर करना था मुझे, क्योंकि अभी आने वाली दिवाली, दिवाली के जितने भी साफ़ सफाई के घर मेकओवर के हैं या कुछ भी, तो अभी तो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, तो कुछ आप लोगों को फ़ायदा तो मिले इससे, नहीं तो बाद में कोई इतनी ज़्यादा साफ़ सफाई नहीं करता जितनी दिवाली पे करता। दिवाली पे इंसान हर कोई अपना घर का कोना कोना चमकाना चाहता है और सुंदर से सुंदर घर दिखाना चाहता है, तो बस मैंने भी वही कोशिश की है। तो मैंने कहा क्या रखूँ यहाँ पर, तो दो चार साबुन थे, मैंने कहा यहाँ पर रख देती हूँ, नीचे पड़े हुए थे वो सारे डब्बे वब्बे मैंने रख दिए हैं। तो देख लीजिए भाई कैसे लगेंगे आपको, ज़रूर मैं अभी दिखा देती हूँ अच्छे से, ठीक है। तो हो चुका है, जो ऊपर का जो टांड था वो हो गया है, अभी बहुत कुछ करना बाकी है, तो धीरे धीरे करते चलूँगी, आप लोगों के साथ वीडियो भी शेयर करती चलूँगी। तो दिखा देती हूँ एक बार आपको, देख लीजिए लग रहा ना कितना अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। तो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना, और नहीं आया हो ना तो भी कर देना प्लीज़, मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ। हो चुका है मेरे किचन का मेकओवर, अभी मैंने सिर्फ ऊपर जो डब्बे लगते हैं वो मैंने किया है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है, धीरे धीरे करती चलूँगी, आप लोगों के साथ शेयर भी करती चलूँगी। अगर वीडियो पसंद आता है आप लोगों को तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना गाइस, और वीडियो देख लेते हो आप लोग लेकिन लाइक करना भूल जाते हो, अगर लाइक कर दिया करो प्लीज़, मैं इतनी मेहनत तो करती हूँ कि एक लाइक तो कर ही सकती हूँ आप लोग, और ये मत सोचना कि आपके लाइक करने से मुझे पैसा मिलता है, ऐसा कुछ नहीं है, लाइक करने का कोई पैसा नहीं मिलता है गाइस, और ना ही चैनल सब्सक्राइब करने का कोई पैसा मिलता है, बस कचरा हो गया बहुत वही मैं साफ कर रही हूँ। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि अभी दिवाली है भाई, तो दिवाली पे साफ़ सफाई ये सबसे ज़्यादा मायने है, मायने रख रही है अभी, तो गर्मी लगने लग गई, तो देखते हैं। अभी तो मुझे रूम भी मेकओवर करना है, देख लेना मैं अपने रूम की किस तरीके से काया पलट कर दूँगी, उसी तरीके से आप भी कर सकते हो। अगर देखना है नेक्स्ट वीडियो जो कि है क्या बोलते हो उसे, रूम का मेकओवर किस तरीके से करूँगी, वो भी बिना पैसों के, एक भी पैसा नहीं लगने वाला है। और अगर ऐसे कुछ भी अच्छे अच्छे टिप्स चाहिए आप लोगों को तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना गाइस, तो बने रहिए मेरे साथ, मिलती हूँ मैंने अच्छे से वीडियो के साथ।